नमस्कार, मैं हूं नितेश गुप्ता। गोरखपुर फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रवि किशन जी, भोजपुरी और बॉलीवुड के मशहूर कलाकार इन्हें कह सकते हैं या हैं भी। तो पहले तो आपका फाइनल रिपोर्ट पे स्वागत है सर। धन्यवाद। ये इस समय आए हैं गोरखपुर महोत्सव में पार्टिसिपेट करने, तो सर कृपया कुछ बताइए। कुछ नहीं, आज हमारा कार्यक्रम है और महाराज जी चाहते थे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी चाहते थे कि कल्चरल चीज़ें हैं वो लोगों को जानकारी हो और अध्यात्म के बारे में, अध्ययन के बारे में, तो बच्चों के से लेके उनको सिनेमा से लेके पढ़ाई से लेके संस्कृति, संस्कार, इतिहास और माटी का हीरो एक सुपरस्टार बनाए, तो वो सब उनका था कि लोकल कलाकारों को भी लाया जाए और सम्मान किया जाए उनको और लोग करीब से देखें, इसीलिए मैं यहाँ। रवि किशन जी, आपको लगता है क्या ऐसे जो प्रतियोगिता या फिर ऐसे महोत्सव होते हैं वो लोगों के लिए कारगर साबित होंगे? हाँ, देखो जीवन में आप क्या करते, नहीं तो 365 दिन आदमी दुखी में रहता है। उसको थोड़ा सा अपने बारे में जानना, उस बच्चों को मौका, उनके कैलिबर को देखने के लिए माता पिता को समय नहीं मिलता, तो ये सब चीज़ों से एक हौसला अफजाई होती है, प्रोत्साहन होता है, बहुत अच्छा होता है कि ना कि सिर्फ यहाँ पे एक नाच गाना या एक बॉलीवुड नाइट है, बाकी एक दिमागी पढ़ाई है बच्चों की। रवि किशन जी, अगर 2 लाइनें अगर भोजपुरी में अगर आप बताते हैं तो यह कब कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, फिर ये कि नजर न किकरो लग जाए, कहीं सुन के कोठी लिट्टी चोखा बनल बाहर, बड़ा मजेदार। तो 400 पिक्चर कह के आप लोगों के समक्ष आज बानी, जौनपुर तहसील के राकत। हमार पूरा नाम बटे रवि किशन शुक्ल। एगो लड़ाई लड़के भोजपुरी का 500 सिनेमा हो गई और हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, कुल। ओकरे बाद भोजपुरी कह के, बिग बॉस कह के आप लोगों के समक्ष आल बानी। गोरखपुर की धरती के कोटि कोटि नमन, बाबा गोरखनाथ की पावन धरती के प्रणाम। सर, एक और सवाल राजनीति से जुड़ी हुई। आपका 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 बहुत ही नाम इस समय आ रहा है यहाँ के गोरखपुर के उपचुनाव में लोकसभा के लिए, तो इस पे क्या आपको कोई जानकारी है या फिर? हमको अभी कोई जानकारी नहीं, हम आप ही लोगों से जान रहे हैं, बाकी स्वयं हमको कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बाबा जी चाहेंगे, अगर भगवान चाहेंगे, उनका आशीर्वाद मिला तो मैं पूरी आत्मा